जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए जो नई वीडियो लाए हैं वो है हमारा 24 स्लॉट पांच पत्ती वाला जो फराटा फैन होता है उसकी बैंडिंग डाटा, ठीक है। तो उसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे, इसके पहले जो हमने वीडियो आपको बताया था दोस्तों उसमें हमने उसकी बैंडिंग के डाटा के बारे में बताया था, डाटा की पूरी डिटेल दे दी थी। और यदि आपको बैंडिंग डाटा के बारे में जानकारी नहीं है तो आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं और वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आज आप बात करेंगे जो उसकी कनेक्शन के बारे में कि उसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं और किस प्रकार से उसका कनेक्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं, बिल्कुल आसान रूप में आपको बताते हैं कि उसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं। जैसे जो होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, रोटर है, ये हमारा रोटर है और हमारे रोटर में जो आपको इस तरह से गोला बना हुआ दिख रहा है, गोले की तरह से जीरो जीरो, ये हमने मान लिया कि ये हमारे रोटर के कटे हुए खाने हैं जो कि 24 थे होते हैं। अगर इस स्लॉट में जो कितने कुल कटे खाने होते हैं, 24 खाने होते हैं। और जो इसमें हमें माला बनानी होती है, अगर हम माला की बात करें तो जो हम माला बनाते हैं वो कितने टर्न की होती है, माला जो हमारी माला बनती है दोस्तों उसका टर्न जो होता है 160 टर्न होता है। और इसमें हमारा दो वायर लगता है, वायर नंबर एक तो हमारा 30 होगा, 30 नंबर से हम कौन सा भरेंगे, रनिंग भरेंगे, ठीक। और 32 नंबर से हमारा स्टार्टिंग भरा जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग की बाइंडिंग जो की जाएगी वो 30 नंबर वायर से की जाएगी और रनिंग की बाइंडिंग जो की जाएगी वो 30 नंबर वायर से की जाएगी, स्टार्टिंग की जो बाइंडिंग की जाएगी वो 32 नंबर वायर से की जाएगी। और जो इसमें टर्न होगा वो होगा कितना, 160 टर्न। इसमें जो माला बनेगी वो चार माला रनिंग की और चार माला स्टार्टिंग की, यानी कुल माला चार रनिंग प्लस चार स्टार्टिंग, अर्थात कुल आठ मालाएं बनेंगी, चार रनिंग की और चार स्टार्टिंग की, इसमें कुल आठ मालाएं बनेंगी दोस्तों। तो ये हमारा कनेक्शन, इसको हमने शॉर्ट में आपको बता दिया। और बाकी इसके डाटा के बारे में अगर जानना है तो आप वीडियो से देख सकते हैं। देखिए अच्छा ये बताइए कि हम अगर मान लीजिए बना रहे हैं, हमें बनाना है तो इसकी लंबाई की बात करें अगर, तो जो हमारा क्वाइल की लेंथ होगा, क्वाइल लेंथ यानी क्वाइल की क्या होगी लंबाई, ये होगा 12.5 इंच से लेके 12.5 से लेके हम क्या बनाते हैं 15 इंच का बनाते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए कि हम क्या ले लेंगे, दो कील बना लेंगे इस तरह से और इन दोनों कीलियों के बीच की जो दूरी होगी वो मान के चलिए 12.5 इंच है। इन दोनों कीलियों के बीच की दूरी क्या होगी, 12.5 इंच होगी। जो हम वायर भरना शुरू करते हैं मान लीजिए, तो इस तरह से एक वायर हमारा बाहर निकल जाएगा, जो कि हम लपेटते हैं ना ऐसे ऐसे, तो एक वायर पहले ही बाहर निकल जाएगा एक छोर उसका, और दूसरे छोर को यहाँ से ले जाएंगे ऐसे ऐसे, बिल्कुल हम क्या करते हैं लपेटते रहते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरा क्या करेंगे दोस्तों, लपेटते रहेंगे। इसको कुल लपेटने के बाद फाइनली अंत में क्या मिलेगा हमें कि ये दो वायर निकल जाएंगे, एक माला के कितने वायर, दो वायर, एक नंबर और दो नंबर, एक माला के कुल दो वायर निकलेंगे। और इस तरह की कुल कितनी मालाएं बनेंगी, चार माला रनिंग की होगी और चार माला स्टार्टिंग की होगी, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमने 30 नंबर वायर से बनाया है, किससे, 30 नंबर वायर से बनाया, और इसका टर्न जो है, टर्न कितना था कुल 160 टर्न का हमने ये माला बनाया 30 नंबर वायर से, ठीक है। वायर नंबर कितना था, वायर नंबर हमने 30 लिया, 160 टर्न बनाया, यानी हमारे रनिंग की बैंडिंग जो होगी उस बैंडिंग की माला हमारी कंप्लीट हो गई। ऐसे हमने चार मालाएं मान के चलिए हमें बनानी है। इन चारों मालाओं को बन जाने के बाद हमें बताया गया था कनेक्शन, देखिए कनेक्शन के बारे में भी लिख देते हैं कि कनेक्शन जो हम करते हैं, एक से चार एक राउंड, उसके बाद एक से छः दो राउंड, ये हमारा कनेक्शन होता है। अच्छा एक राउंड क्या होता है, दो राउंड क्या होता है, इसी के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। आइए देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारा सलाद का कटा हुआ खाना है और इसमें हमने मान लीजिए यहाँ से बैंडिंग भरना शुरू किया, तो हमारे बैंडिंग में दो वायर निकले हुए हैं, तो एक वायर यहाँ तो निकल ही जाएगा और इसके बाद एक से चार यानी 1 2 3 4 यहाँ से जाएंगे, चार में एक राउंड,
यहां तक हम जब आ गए तो एक राउंड हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगले वाले में जाएंगे, पांच, ये हो गया छह। देखिए आप गिन सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, तो एक से छह जो है वो का राउंड है, दो राउंड। तो एक राउंड ये हो गया, ये हो गया हमारा दो राउंड, वायर निकल गया। एक माला के दो छोर यानी रनिंग की ये माला है, ठीक है, रनिंग की ये माला है, तो R1 हो गया, ये हो गया R2, रनिंग की माला का दो छोर। अब उसके बाद से जो निकलेगा हमारा, एक लाइन छोड़ के दूसरी माला हम भरना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से, तो एक दो तीन चार, एक से चार एक राउंड, एक से छः एक राउंड, और एक से छह फिर एक राउंड, यानी दो राउंड। एक से छह जो जाएंगे हम, देखिए दो राउंड, उसके बाद अगला जो होगा एक छोड़ के एक माला निकल जाएगी, ये हो गया आर थ्री, ये हो गया हमारा आर फोर, एक माला निकल गई। तो एक दो तीन चार, एक से चार एक राउंड, एक से छह एक राउंड, और एक से छह फिर एक राउंड, यानी दो राउंड। अब ये हो गया हमारा आर फाइव, और ये हो गया आर सिक्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से फिर हमने भरना शुरू किया था, एक से चार एक राउंड, एक से छह दो राउंड, इस तरह से हम क्या करेंगे, फाइनली लास्ट में हमारा आर सेवन और आर एट। कुल एक तार, एक क्वायल यानी रनिंग के जो क्वायल कुल थे उससे आठ गो तार निकलेंगे। कुल कितने निकलेंगे, आठ वायर निकलेंगे, जो कि हमने आठों वायर को क्या कर दिया, लिख दिया। इस तरह से हमारी रनिंग बाइंडिंग जो होगी दोस्तों वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब रनिंग बाइंडिंग के बाद हमारी आती है स्टार्टिंग बाइंडिंग। तो देखिए स्टार्टिंग बाइंडिंग की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग बाइंडिंग को अब हम भरना शुरू करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के लिए भी जो हमारा टर्न बनेगा, स्टार्टिंग की माला के लिए भी हम क्या करेंगे, इस तरह से दो कीले बना लेंगे, ठीक है, और एक वायर निकाल लेंगे, इस तरह से उससे लपेट लेंगे, लपेट लेंगे पूरा। इसका भी टर्न क्या होगा, इस माला का जो लेंथ होगा ये 12.5 इंच ये भी होगा, इसका टर्न जो होगा 160 होगा, ठीक है, टर्न 160 होगा। वायर नंबर जो होगा ये होगा 32 नंबर का वायर होगा, इसका वायर नंबर चेंज हो जाएगा 32, इसके पहले का जो वायर नंबर था वो 30, ठीक है। और इस तरह की ये भी मालाएँ कितनी बनेंगी, चार माला बनेगी, इसकी भी कितनी माला होगी, चार माला होगी, सभी मालाओं से दो दो तार निकले होंगे। अब देखिए इसको हम शुरू करते हैं भरना, तो इसको हम वहीं से भरना शुरू करेंगे जहां पे कि अगले वाले यानी रनिंग वाले स्लॉट में हमने एक माला भरी थी। देखिए जहां रनिंग की एक माला गई थी वहां एक माला रनिंग, एक माला स्टार्टिंग, अर्थात हर एक स्लॉट में दो दो मालाएं भरी जाएंगी। देखिए कुल मिला जुला के यहां से हमने शुरू किया, मान लीजिए रनिंग, अब स्टार्टिंग की माला हमने भरना शुरू किया, एस वन का एक तार निकाल लिए, तो देखते हैं कि एक से चार हम जाते कहां है। देखिए एक दो तीन चार, अर्थात जहां एक रनिंग का एक एक क्वायल था वहां हमने एक एक क्वायल स्टार्टिंग का भर दिया। अब उसके बाद एक से छह इसका भी एक राउंड ये हो गया, और एक से छह ये दो राउंड, इसका भी दूसरा छोर निकल गया, ये हो गया हमारा आर टू। अब अगले से हम फिर क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, ये हमारा हो गया आर थ्री, और एक से चार एक राउंड, एक से छः दो राउंड, इस तरह से एक से छः दो राउंड, ये हमारा हो गया आर फोर। अब इसके बाद से यहाँ से हमने फिर भरना शुरू किया, एक माला हमारी ये निकल गई, एक से चार एक राउंड, एक से छः दो राउंड, और ये हमारा दूसरा क्वायल निकल गया, ये हो गया हमारा आर फाइव, और ये हो गया हमारा आर सिक्स। अब हमने अभी तक ने कुल कितनी मालाएं भरी, तीन माला। अभी देखिए एक माला की जगह इधर बची हुई है, तो हम यहां से फिर एक नंबर शुरू करते हैं, एक से चार एक राउंड, एक से छः दो राउंड, और ये रहा हमारा फाइनली लास्ट में आर एट हो गया, और ये हो गया आर सेवन, सॉरी यस भरा जा रहा है ना, ये यस होगा, यस एट और यस सेवन। स्टार्टिंग की माला है तो यस से दिखाएंगे, और रनिंग की माला है तो आर से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये यस वन हो गया, यस थ्री गलती से लिखा गया था, यस टू यस थ्री यस फोर यस फाइव यस सिक्स सेवन और यस एट, यानी कि चार रनिंग के चार स्टार्टिंग के, जो हमारा ये है स्टेटर, है स्टेटर,
इस स्टेटर में क्या कर दिए गए, चार रनिंग की माला, चार स्टार्टिंग की माला भर दी गई। अब हम देखेंगे कि हमारे स्टेटर में एक भी जगह खाली नहीं है। अब रहा सवाल इसका कनेक्शन का दोस्तों, तो इसका कनेक्शन इसमें बहुत जटिल आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका कनेक्शन हम इसके लिए दूसरा एक फिगर बनाते हैं, उस फिगर पर आपको समझाते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने इस तरह से एक माला ये भर दी गई हमारी, देखिए बिल्कुल आसानी से आपको फिगर ऐसा बनाएंगे कि आप आसानी से कर सकते हैं। एक माला, ठीक है, और ये रही हमारी दूसरी माला, और हमें चार मालाएं भरनी है, ये रही तीसरी माला, ये रही चौथी माला। ये चार माला तो हमारी किसकी भरी, रनिंग की बनी। अब स्टार्टिंग की बनी, अब रनिंग वाली बात करते हैं हम। देखिए ये रही हमारी एक माला, एक माला ये हो गई दूसरी माला, ये हो गई तीसरी माला, और उसके बाद से बात करते हैं चौथी माला, यानी चार रनिंग की, चार स्टार्टिंग की। देखिए आप देख सकते हैं कि ये हो गया R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, यानी आठ को जो हो गया ये हमारा रनिंग का निकल गया, तो स्टार्टिंग का भी होगा S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 और यस एट। इस तरह से हमारी आठ मालाएं क्या हुई, निकल गई। हमें जो कनेक्शन करना था एक से तीन, अच्छा एक से तीन की बात करते हैं। मान लीजिए हम स्टार्टिंग का वायर पकड़ते हैं, तो इस वायर को जब हम पकड़ लेंगे, इसके बाद इस वायर को निकाल देंगे, अगले वायर से हम गिनना शुरू करेंगे। जिस वायर को हम पकड़ेंगे उस वायर को निकाल लेंगे और उसके अगले वायर से हम गिनना शुरू करेंगे, तो इसको छोड़ के अगला वायर एक नंबर, दो नंबर, और ये हुआ हमारा तीन नंबर। तो इस वायर का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ला के इसको जोड़ देंगे। देखिए एक दो तीन, बीच में जो हमारी रनिंग आ रही है उससे हमारा मतलब नहीं है। इस तरह से अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक नंबर ये वायर, दो नंबर ये हुआ, और तीन नंबर, इसको लाके इससे क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या होगा, हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो एक नंबर ये हुआ, दो नंबर ये हुआ, और ये तीन नंबर हुआ, तो इस वायर को लाके हमने इससे जोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि फाइनली लास्ट में हमें दो वायर निकल गए। ठीक है, लास्ट में हमारे दो वायर निकल गए, एक मान लीजिए ये हो गया हमारा S1 और S2 करके। ठीक है, दो वायर हमारे रनिंग के स्टार्टिंग के निकल गए, दो वायर किसके निकल गए, स्टार्टिंग के। अब बात आती है रनिंग के वायर को निकालने की। ठीक है, रनिंग के वायर की बात आती है, तो मान लीजिए कि हमने एक वायर क्या किया, इस तरह से यहां से पकड़ लिया। अब हम इसका भी कनेक्शन ठीक वैसे ही करेंगे जैसे उसका आया करते हुए। देखिए इसको एक मानेंगे, इसको दो मानेंगे, और इसको तीन मानेंगे, तो इसको लाके इसमें क्या कर देंगे, बिल्कुल हम इस तरह से यहाँ जोड़ देंगे। अब इसके बाद से ये वाला हमारा छूटा था, तो इसको एक, इसको दो, और इसको तीन लाके बिल्कुल इसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब इसके आगे चलते हैं, ये हमारा हुआ एक, ये हुआ दो, और ये हुआ तीन, तो अब इसको लाके इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फाइनली अंत में जो हमारा बचा दोस्तों, वो हमारा दो वायर निकल गया। ठीक है, यानी दो रनिंग के और दो स्टार्टिंग के, ये दोनों वायर हमारे बच गए, दो रनिंग के वायर और दो स्टार्टिंग के वायर, यही हमारे वायर क्या करते हैं, हमें बच गए कि दो रनिंग के वायर निकल गए और दो स्टार्टिंग के वायर निकल गए। अब ये दोनों वायर जो होते हैं, देखिए दो रनिंग दो स्टार्टिंग, अर्थात कुल हमारे कितने वायर निकले, चार वायर हो गए। अब इन चार वायरों से हमें कनेक्शन अपना करना है, इसी में से हमें कॉमन बनाना है, रनिंग बनाना है और स्टार्टिंग बनाना है। ठीक है, तो कॉमन के लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं दो को, एक रनिंग को और एक स्टार्टिंग को, किसी भी दो को, एक रनिंग को एक स्टार्टिंग को जोड़ देंगे, और रनिंग और स्टार्टिंग को जोड़ने के बाद जो बनेगा वही होगा हमारा दोस्तों, क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, ये हमारा कॉमन हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग का हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, रनिंग का हो गया। अब इसके बाद से हम बात करते हैं अपने कैपेसिटर की।
ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा कैपेसिटर है और इसमें हमें कैपेसिटर लगाना है, तो कैपेसिटर का एक वायर जो हम क्या करते हैं रनिंग पॉइंट में जोड़ देते हैं और दूसरा वायर कैपेसिटर का ले जाके स्टार्टिंग पॉइंट में जोड़ देते हैं, ठीक है। जो हमारा ये कॉमन होता है, कॉमन का जो बचा हुआ पॉइंट होता है, मान लीजिए खम्भे से हमें क्या आता है, एक फेस आता है और एक आता है न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल का वायर हम डायरेक्ट लाके कॉमन में जोड़ देते हैं, न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट कॉमन में जोड़ देते हैं, फेस के वायर को हम लाते हैं और जो हमारा ये रनिंग वाला पॉइंट है इसमें जोड़ देंगे, फेस के वायर को रनिंग में जोड़ देंगे। ये हमारा क्या है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर जो होगा वो होगा 2.5 एमएफडी का, अरे ये कैपेसिटर होगा जो हमारा मान लीजिए कितना का, 4 एमएफडी का, ठीक है। कैपेसिटर जो हमारा ये 4 एमएफडी का लगा हुआ है और ये कॉमन वाले पॉइंट को हम इसमें ऐसे जोड़ देंगे, इस तरह से इसका कनेक्शन दोस्तों कर लेंगे। और अगर हमें इस बात को चेक करना है कि कॉमन के बाद कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग है, अगर हमें यह भी नहीं पता कि कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग है, तो कॉमन पे एक वायर हम क्या करेंगे, सीरीज का बल्ब या मल्टीमीटर के द्वारा चेक करेंगे, सीरीज या मल्टीमीटर के द्वारा चेक करेंगे, कॉमन पे एक वायर रख लेंगे और दूसरे वायर से इन दोनों पे बारी बारी से क्या करेंगे, चेक करेंगे, इन दोनों पे बारी बारी से चेक करेंगे। जिस पे मान सबसे अधिक आएगा, अगर स्टार्टिंग का है तो इस पे मान अधिक आएगा, जिस पे मान अधिक आएगा वो स्टार्टिंग का होगा, और जिस पर मान कम आएगा, जिसका मान कम आएगा, ठीक है, रीडिंग कम आएगी वो होगा, जिसकी रीडिंग कम आएगी यानी जिस पे मल्टीमीटर में कम यूनिट दिखाएगा, कंटिन्यूटी कम दर्शाएगा, वो हमारा कॉमन यानी रनिंग का होगा, और जिस पे अधिक दिखाएगा वो होगा स्टार्टिंग का होगा। इस तरह से इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, कनेक्शन कर लेते हैं। और यदि वीडियो से संबंधित कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि आप चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें वो आप तक आसानी से और सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। और दोस्तों तक भी चैनल को शेयर करें दोस्तों। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।